छपरा के भगवान बाजार थाना अंतर्गत नगीना राय कॉलोनी स्थित जेडी पब्लिक स्कूल में 3 वर्षीय नाबालिग के साथ स्कूल के बस के कंडक्टर ने दुष्कर्म किया। परिजनों द्वारा लिखित आवेदन देने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विद्यालय को सील कर दिया है। मुख्य आरोपी पप्पू कुमार उर्फ शिवमोहन सिंह पर पॉक्सो समेत कई धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। क्या पूरा मामला है? मामला क्या है सर? एक पब्लिक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात आ रही है, जो घटना 10 दिन पुरानी बताई जा रही। इस संबंध में जो है, क्या पूरा मामला है? मामला क्या है सर? एक पब्लिक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात आ रही है, जो घटना 10 दिन पुरानी बताई जा रही। इस संबंध में जो है, परसों रात में आवेदन मिला है और पुलिस ने इसमें छानबीन करते हुए जो मुख्य आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और उसमें पूछताछ करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन कराया जा रहा है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भी जांच की गई। अच्छा सर, अभी इसमें कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी इस कांड में सिर्फ एक जो मुख्य अभियुक्त बताया गया है, बस का कंडक्टर पप्पू कुमार की गिरफ्तार। सर, ये मामला विद्यालय के अंदर कहीं बताया जा रहा है? नहीं, विद्यालय के अंदर का मामला नहीं बताया गया है। इसका जाँच जो है किया जा रहा है। ऑटो स्टैंड और टेम्पो स्टैंड जहाँ से बच्चियों के सम्मिलित जमा होने की बात थी उसकी बात आई है और घटनास्थल का निरीक्षण किया। यानी मिला जुला के पार्किंग स्थल में होने की बात सामने आई। हाँ, अभी तक जो बयान पीड़िता की मां के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें यही बात सामने। ठीक है। और कोई मैटर है क्या? खैरा थाना में महिला का लाश मिला था कल, काफी हालत में से, तो क्या उसमें मामला सामने आया? परसों रात में हमारे सरकारी मोबाइल पर एक सूचना दी गई कि पिंकी देवी बोल रही हूँ और मेरी हत्या के जिम्मेदार उसके पति और बेटा होंगे। इस तरह की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने इसमें छानबीन करनी शुरू करी और इसमें कल जो महिला की लाश मिली थी परसों रात में, उसमें अग्रतर अनुसंधान करते हुए महिला की 2 सौतेली बेटियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। पारिवारिक विवाद की वजह से अपनी ही सौतेली मां की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई और पुलिस को भ्रमित करने के लिए पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर उन्होंने सूचना दी कि मेरी हत्या के जिम्मेदार पति और बेटा हो। तो इस तरह की बातें सामने आई हैं, जिसका वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि भी किया गया है और उन दोनों लड़कियों ने जो है कन्फेस कर लिया, उनकी निशानदेही के आधार पर जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है और भी चीजें जमा कर ली गई है और इसमें अधिकतर कार्रवाई की गई। घटना का कारण क्या बताया उन्होंने, किस वजह से वो माँ की हत्या करने के लिए? घटना का कारण पारिवारिक विवाद है, सौतेली माँ है और उसके पिता हैं और इन दोनों की वजह से जो है हमेशा क्लेश होता रहता था घर में, जिसको लेकर तंग आकर दोनों बच्चियों ने इस तरह की घटना कारित करने की बात की। बच्चे की उम्र कितनी है, नाबालिग है या बालिग है? एक बालिग है, एक नाबालिग। तो दोनों को क्या मतलब? दोनों को विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, एक को फॉरवर्ड किया जाएगा, दूसरे को जेजेबी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा। रविलगंज में चाकू मारकर एक लेडीज की हत्या करने की बात सामने आई है और एक घायल है, जिसमें कि तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमारी एसआईटी टीम छानबीन कर रही है। इसमें जो है अपने ही मौसा पर उन्होंने आरोप लगाया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और इसमें अग्रतर कार्रवाई करके हम लोग बहुत जल्दी आरोपी, यानी जो मृतिका है उसके पति, मृतिका पति मौजूद थे कल। ये छानबीन का विषय है, इसमें एसआईटी की टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी इस मामले को भी हम लोग खुलासा कर लेंगे।